उत्तर प्रदेश के हो रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बनकर के आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन ये सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए, आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि आज विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर ले, ये दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना, अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, हमने क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया है, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का, विकास सबका, सबका साथ मिलेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं, अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे, नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए, लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर
आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग।